केंद्र सरकार की ओर से जिन छह नामों को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था उसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरीकॉम, अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता को राज्यसभा के नए सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। राज्यसभा में अपना समीकरण दुरुस्त करने के मकसद से मोदी सरकार की अलग अलग क्षेत्रों की छह हस्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए सिफारिश करने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सभी छह लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। जिन छह लोगों को मोदी सरकार ने राज्यसभा भेजा है उनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरीकॉम, सीनियर पत्रकार स्वपन दास गुप्ता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव के नाम शामिल हैं। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 7 सीटें खाली थी। 6 नामों पर सरकार ने मोहर लगा दी है लेकिन एक नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। राज्यसभा में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सरकार ने रणनीति के तहत सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पर मोहर लगाई। स्वामी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने पूर्व सांसद और जाने माने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म करना चाहती थी, साथ ही पार्टी को राज्यसभा में एक धुरंधर वक्ता भी मिल गया है। केरल में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी ने मलयालम सिनेमा के एक्शन हीरो अभिनेता सुरेश गोपी को अपर हाउस में भेजकर एक संदेश देने की कोशिश की है। इट्स अ ब्लेसिंग ऑन वन साइड एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स कम टू अ फिल्मी पर्सन फ्रॉम केरला। मणिपुर की रहने वाली 33 साल की मैरीकॉम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी ऑफ कोर्स इट्स अ आई हैवन ड्रीम आल्सो। लेकिन अहम ये है कि इन 6 मनोनीत सदस्यों के आने से राज्यसभा का समीकरण कैसे बदलेगा, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास नंबर नहीं है, लिहाजा ऊपरी सदन में उसे कई बार कांग्रेस की मनमानी झेलनी पड़ी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार को राज्यसभा में झटका लगा था। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पास करवा लिया था। प्रधानमंत्री ने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहा था लेकिन विपक्ष ने बात नहीं मानी और प्रस्ताव पास करवा लिया गया था। सरकार का मकसद GST बिल पास कराना है। लोकसभा में पास होने के बावजूद बिल राज्यसभा में नंबर गेम के फेर में फंसा हुआ है। राज्यसभा में NDA सांसदों की संख्या कम होने की वजह से सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ता है। सरकार को राज्यसभा में गैर NDA और गैर UPA सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति इस वक्त कुछ यूं है। बीजेपी 47, कांग्रेस 65, समाजवादी पार्टी 15, बहुजन समाज पार्टी 10, JDU 10, जबकि अन्य 87। अब 6 सदस्यों के मनोनीत होने के बाद सरकार की स्थिति राज्यसभा में सुधरेगी जरूर, लेकिन बहुमत की जादुई फिगर से सरकार अभी भी बहुत दूर है। हर 2 साल में होने वाले राज्यसभा के चुनाव जुलाई में होने हैं। इसमें 54 सीटों के चुनाव होंगे और यही 54 सीट तय करेंगी कि राज्यसभा में किसका सिक्का चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।